Coin D6 मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करके आप किसी भी कॉइन में अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग में पोजीशन कैसे ओपन करेंगे, पोजीशन को आप ओपन करते हैं वो कितने समय के बाद ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, यानी कि उसकी एक्सपायरी टाइमिंग क्या होगी। इसके अलावा फ्यूचर ट्रेडिंग जब आप ओपन कर लेते हैं उसकी प्रॉफिट बुकिंग कैसे करेंगे, मार्जिन कैसे ऐड करेंगे, मार्जिन कैसे रिमूव करेंगे, कैसे फुल्ली एग्जिट करेंगे, लिक्विडेशन प्राइस को कैसे मैनेज करेंगे एंड बेसिक जो भी बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, वो भी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। सो सबसे पहला स्टेप है, आपको आपके मोबाइल में Coin D6 एक्सचेंज का मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। और अगर आपके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है तो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन फिलहाल इंस्टॉल है वो लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट हो। जैसे ही हम डाउनलोड कर लेते हैं, आप इसको ओपन करेंगे, जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, वो डाल के आप लॉग इन करेंगे। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लुक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। पोर्टफोलियो के जस्ट साइड में आपको एक फ्यूचर्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे आप कम से कम 5 USDT से अपना जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। 15 गुना तक आप लेवरेज ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके वॉलेट में अगर $100 रखे हुए हैं तो $1500 तक की जो ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं। उसके बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं आपको, यानी कि जो भी आप क्वांटिटी ले रहे हैं ऐसे समझ लीजिए, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। आप ये समझिए कि आप उसको 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन, 1 हफ्ता, जितने दिन चाहे उतने दिन होल्ड कर सकते हैं। को अगर किसी भी कॉइन में लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है उससे पहले आपके पोर्टफोलियो में कुछ USDT होने चाहिए। आपको यहाँ पे नीचे मार्केट्स पे क्लिक करना है। मार्केट्स पे क्लिक करने के बाद में ऊपर आपको ऑल पे क्लिक करना है, सर्च के बटन पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है USDT। USDT आ जाएगा, जस्ट क्लिक करेंगे, बाय पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में इन रुपीज में डालेंगे आप कितने रुपए का USDT खरीदना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप 100 रुपए का खरीदना चाहते हैं, 100 रुपए डालेंगे, इन USDT में आ जाएगा कि आपको कितना 100 रुपए का जो USDT है मिलने वाला है। बहुत सिंपल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं 1 USDT खरीदना चाहता हूँ तो मैंने इन USDT में 1 USDT है वो डाल दिया, तो मुझे कितने रुपए देने हैं वो मुझे दिखा रहा है इन रुपीज में। उसके बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में जस्ट आपको स्वैप करना है, डन, आपका जो USDT है वो बाय हो गया एंड आपके वॉलेट में एड हो जाएगा। अब आपको वापस से क्या करना है, नीचे फ्यूचर्स पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे मुझे वो सभी कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं जिनमें मैं पोजीशन अपनी ओपन कर सकता हूँ लॉन्ग एंड शॉर्ट की। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिस कॉइन को मैं यूज कर रहा हूँ समझाने के लिए कि कैसे आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है और उसमें जो भी फीचर्स मिलते हैं आपको उनको कैसे यूज करना है। सो ऐसा नहीं है कि हर एक कॉइन में डिफरेंट आपको जो ऑप्शन है वो मिलते हैं, आपको सभी में समान मिलेंगे। सो मैं आपको मैटिक के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप किसी भी कॉइन में अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करें, सेम ही स्टेप आपको फॉलो करने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मैटिक में अपनी पोजीशन ओपन करना चाहता हूँ, सो मैंने मैटिक पे क्लिक किया। मैटिक पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल मुझे दिखाई दे रही है। उसके बाद में नीचे आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, बाय लॉन्ग एंड सेल शॉर्ट। अब हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ जान रहे हैं कि आपको किसी भी कॉइन में अपनी लॉन्ग की पोजीशन कैसे ओपन करनी है। अगर मैं यहाँ पे इस वीडियो में एक्सप्लेन करने बैठा कि आपको शॉर्ट पोजीशन कैसे ओपन करनी है तो ये वीडियो लगभग 30 मिनट का हो जाएगा। और ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आपको यहाँ पे बाय लॉन्ग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो सबसे पहले किसी भी ऑप्शन को समझे, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि बाय लॉन्ग का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि मैटिक का प्राइस फिलहाल चल रहा है $1.12 के अराउंड। अब आपको लग रहा है कि हाँ $1 से ना मैटिक का जो प्राइस है वो $1.5 जा सकता है। सो जब भी हमें भरोसा रहता है कि ये ऊपर की तरफ जाने वाला है, यानी कि बढ़ने वाला है, तो हम लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर मैटिक USDT लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे डेप्थ लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे। डेप्थ पे क्लिक करने के बाद में आपको जो ऑर्डर बुक है वो देखने के लिए मिल जाती है। थोड़ा सा आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, आपको नीचे 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है मार्केट। मार्केट ऑप्शन को आप सेलेक्ट रखते हैं और अगर आप यहाँ पे पोजीशन अपनी ओपन करते हैं तो जो भी लाइव रेट चल रहा होगा मार्केट में मैटिक का, उस प्राइस पे आपकी जो पोजीशन है वो ओपन हो जाएगी। लिमिट प्राइस में ना आप अपना खुद का प्राइस बता सकते हैं कि भाई देखो मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है
है ना, उसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा प्राइस देखो ये है, मुझे इस प्राइस पे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी जो प्राइस चल रहा है मैटिक का, वो चल रहा है $1.1249 के अराउंड। आपको लग रहा है कि नहीं यार देखो ये जो भी चल रहा है ना इसको तुम भूल जाओ, मुझे $1 के हिसाब से चाहिए, ठीक है। सो $1 अपना लिख सकते हैं, जैसे ही $1 आएगा मैटिक का प्राइस, आपकी जो बाय की पोजीशन है वो ओपन हो जाएगी। अगर नहीं आता है तो ठीक है, आप अपना जो ऑर्डर है वो कैंसिल कर सकते हैं, कौन से आपके चार्जेस लग रहे हैं। सो मैं आपको दोनों में ही बारी बारी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट प्राइस से ही लेना चाहते हैं, आपके पास कितना बैलेंस है सबसे पहले तो वो देखिए। जैसे मेरे पास बैलेंस है 10 USDT के समथिंग, 10.5 है, 10 मान लीजिए इसको राउंड फिगर। सो 10 USDT में से मैं कितना USDT अपना लगाना चाहता हूँ और कितना मैं लेवरेज लेना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं 10 USDT लगाने वाला हूँ और 3x लूंगा, यानी कि $30 का जो पोजीशन है वो मेरा ओपन हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं टोटल जो अपना पोजीशन यहाँ पे ओपन करना चाहता हूँ वो यहाँ पे ओपन करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 12 USDT का टोटल साइज है ये, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि $12 मेरे वॉलेट में होना चाहिए। सो इसने एक राउंड फिगर अमाउंट कर दिया $12 का, कि भाई देखो आप इतने का लो ताकि आपको जो इतनी क्वांटिटी है या फिर इतनी पोजीशन है वो आपकी ओपन होगी। मेरा जो टोटल पोजीशन साइज है ना, यानी कि जो भी मैं लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर रहा हूँ उसकी जो वर्थ बनेगी ना वो $11.27 बनेगी। मेरा जो वॉलेट है ना उसमें से कितना जो USDT है वो खर्च हो रहा है। जैसे मेरे पास राउंड फिगर $10 पड़े हुए हैं, उस $10 में से कितना मेरा खर्च हो रहा है 1.6 के समथिंग सिर्फ, क्योंकि मैंने 7x का यहाँ पे लेवरेज लिया है। यानी कि मेरे जो वॉलेट से जा रहा है ना उसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो 7x का लेवरेज है ना वो एक्सचेंज मुझे प्रोवाइड करवा रहा है। अब आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हमें तो बहुत ज्यादा लेवरेज लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा लेवरेज लेंगे ना नीचे एक खतरा बैठा है हमारे लिए। अब खतरा क्या है, नीचे आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे है लिक्विडेशन प्राइस, और ये बहुत ही खतरनाक है। एज ए ट्रेडर कोई भी कभी भी नहीं चाहता लाइफ में कि भाई उसकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाए। अब ये लिक्विडेशन क्या है इसको समझिए। आपने जो भी पोजीशन ओपन की जिस भी प्राइस पे और आपकी डायरेक्शन में वो पोजीशन नहीं गई, फॉर एग्जांपल मैं लॉन्ग कर रहा हूँ लेकिन मेरी डायरेक्शन में नहीं जा रही, मार्केट डाउन ही डाउन जा रहा है, तो एक प्राइस आ जाएगा कि देखो भाई अगर इस प्राइस पे आ गया ना तो आपकी जो पोजीशन है ना वो एक्सचेंज ऑटोमेटिक बंद कर देगा, या फिर बोल सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ कर देगा, या आपकी पोजीशन में आपने जितना भी मार्जिन यूज किया ना वो मार्जिन एक्सचेंज अपने पास रख लेगा, या फिर बोल लीजिए कि आपके वॉलेट से जितना भी आपने मार्जिन यूज किया है वो आपका जीरो हो जाएगा। सो लिक्विडेशन प्राइस जितना कम होना उतना ज्यादा अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो पोजीशन साइज है वो यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल $50 के समथिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो $50 में अब मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस है वो देखेंगे 0.98 के समथिंग है। अब मैं यहाँ पे लेवरेज बढ़ाता हूँ, फिर देखिएगा आप क्या होगा। मैंने यहाँ पे लेवरेज बढ़ाया तो आप देखिए मेरा लिक्विडेशन प्राइस बढ़ गया, $1 से भी ऊपर चले गया। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो लेवरेज है वो कर लेता हूँ 3x, एंड मैंने यहाँ पे कंफर्म किया मेरे पास USDT का है, बेसिक सी बात है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 20 USDT कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरा लिक्विडेशन प्राइस कितना कम हो गया, 0.7741 हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने लेवरेज बहुत कम लिया है और यहाँ पे जो मेरा मार्जिन है फिर वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ कि यार ठीक है मुझे ना ज्यादा आपसे उधार नहीं चाहिए, मेरे पास ना बहुत पैसे रखे हैं वॉलेट में, इनमें से यूज कर लो। तो मेरे पास जो $10 रखे हुए हैं राउंड फिगर उसमें से मैं कह रहा हूँ कि यार ठीक है $6.50 तुम यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे ज्यादा मत दो। तो आप ना जितना कम रिस्क लेंगे ना आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है ना वो कम हो जाएगा। अगर आप एक नए यूजर हैं 5x से ज्यादा मत लीजिए, मैं तो बोलता हूँ 2x 3x पे पहले टेस्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए 10 USDT का एक साइज यहाँ पे लिख लेता हूँ। मेरे वॉलेट से यहाँ पे 3 USDT यूज होंगे क्योंकि मैं यहाँ पे 3x का जो लेवरेज है वो ले रहा हूँ। टोटल जो पोजीशन साइज है वो $9 की होने वाली है, मार्केट प्राइस पे ले रहा हूँ। अब मान लीजिए मुझे अपनी पोजीशन लेनी है, उसके बाद में जस्ट आपको इसको स्लाइड करना है। जैसे ही आप स्लाइड करेंगे आपकी जो पोजीशन है वो एक्टिव हो जाएगी। अब आप पहले थे मार्केट्स वाले ऑप्शन पे, अब आप क्लिक कर लें पोजीशंस वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आपको लाइव आपका जो PNL है वो देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि बेनिफिट लॉस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर ग्रीन में जा रहा है मतलब आपको बेनिफिट हो रहा है, और अगर रेड में जा रहा है तो आपको नुकसान हो रहा है। इस पोजीशन की कुछ डिटेल देखना चाहते हैं तो जस्ट आप पोजीशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको काफी सारी आपकी जो पोजीशन है उसकी डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है चेंज लिक्विडेशन प्राइस। मैंने इस ऑप्शन को यूज किया, वीडियो में रिकॉर्ड किया, लेकिन मैं इसको एडिटिंग में हटा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई यूज केस है। और अगर आप एक नए यूजर है तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, बट अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि
ये बहुत डीप और डिटेल में जाएगा, सो मैं नहीं चाहता कि इसी वीडियो में इसको कवर करूं क्योंकि ये बहुत लेंथी है। बाकी ये जो तीन ऑप्शन है वो बहुत अच्छे हैं, आप उनको यूज करें। उसके बाद में सेकंड नंबर का ऑप्शन मिलता है आपको इंक्रीज पोजीशन। इसका मतलब ये है कि आपने फिलहाल मैट्रिक में जितनी भी क्वांटिटी ले रखी है, जितना भी मार्जिन ले रखा है, आप ये बोल सकते हैं, उसमें आप कुछ और मार्जिन ऐड कर सकते हैं, यानी कि और कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे इंक्रीज पोजीशन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सो आपको नेक्स्ट पेज पे भेजा जाएगा जहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि हमने पहले मैट्रिक में जब लॉन्ग किया था वो सभी ऑप्शन मिले थे, वो सभी ऑप्शन ही मिलेंगे। एंड जैसे ही हमने क्वांटिटी बाई की थी फर्स्ट टाइम, वैसे ही अभी हम बाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं 8 USDT की अपनी जो पोजीशन साइज है वो ओपन करना चाहता हूँ, तो मेरे पास से जो यूज होगा वो $2.638 के समथिंग यूज होगा। टोटल जो यहाँ पे मेरी पोजीशन साइज होगी वो अराउंड $8 के अराउंड होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3x का जो लेवरेज है वो लिया है, यानी कि जितना भी मैं वॉलेट से पैसा दे रहा हूँ उस पे 3x का मैंने एक्सचेंज से आप बोल सकते हैं कि उधार लिया है। जब मेरी जो पोजीशन है वो क्लोज होगी तो उधार भी चुक जाएगा। तो जस्ट अगर आप अपनी पोजीशन में और अधिक जो मार्जिन है वो एड करना चाहते हैं, सो स्वैप टू लॉन्ग पे आप क्लिक करेंगे, आपका जो मार्जिन है वो एड हो जाएगा। फिलहाल मैं नहीं करना चाहता हूँ। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन मिलता है रिड्यूस पोजीशन। इसका मतलब ये है कि फिलहाल आपने जितना भी अपना मार्जिन ले रखा है या फिर टोटल जो पोजीशन है उसमें से आप कुछ पोजीशन अपनी कम कर सकते हैं, यानी कि आपको मान लीजिए बेनिफिट हो रहा है अच्छा खासा, आपको लग रहा है कि मेरे हाथ से बेनिफिट नहीं जाना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा आप अपना जो बेनिफिट है वो बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपकी जो पोजीशन है वो काटनी होगी, या फिर आपको नुकसान हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, इतना ज्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसा करता हूँ कि कुछ नुकसान बुक कर लेता हूँ। सो यहाँ पे थर्ड नंबर का ऑप्शन आपको मिलता है रिड्यूस पोजीशन, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है मार्केट प्राइस से, यानी कि आप तुरंत जो भी रेट चल रहा है ना उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन से बाहर आ सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल कि मैं अपनी पोजीशन से बाहर आना चाहता हूँ मार्केट प्राइस पर, तो जो भी मार्केट प्राइस है ना वो मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने एंट्री किस प्राइस पे की थी एंड मार्केट प्राइस फिलहाल क्या चल रहा है वो दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो यहाँ पे एंट्री मैंने की थी 1.1286 के अराउंड एंड करंट जो फिलहाल मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 1.269, इसलिए मुझे लॉस है लगभग ₹1.21 के समथिंग। बहुत बुरा लग रहा है, मेरा ₹1.50 यहाँ पे डूबने वाला है, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे उसके बाद में है पोजीशन साइज, सो मेरी जो भी पोजीशन साइज है वो मुझे दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पे जो अवेलेबल फंड में जो भी आपका फंड दिखाई दे रहा है ना वो आपके टोटल साइज है, जो भी पोजीशन आपने ओपन किया लॉन्ग की या फिर शॉर्ट की किसी भी कॉइन में। अब उस टोटल अमाउंट में से आप कितना एग्जिट करना चाहते हैं वो पोजीशन यूएसडीटी साइज में आपको डालना है। आप ये नहीं डाल सकते कि भाई मुझे 10 मैट्रिक करने हैं, मैट्रिक में नहीं डाल सकते। पोजीशन साइज ब्रैकेट में स्पष्ट लिखा हुआ है यूएसडीटी, यानी कि आपकी जो साइज है वो भी यूएसडीटी के फॉर्म में ही है कि भाई आपकी 1000 यूएसडीटी की साइज है, तो आप 1000 में से कितना जो यूएसडीटी है वो एग्जिट करना चाहते हैं अवेलेबल बैलेंस में से। जैसे कि मेरा $9 का यहाँ पे जो साइज है वो बनता है, तो मैं अगर चाहूँ तो $9 का जो साइज है वो पूरा कम्प्लीटली एग्जिट कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे मिनिमम जो कंडीशन है वो मुझे फुलफिल करनी होगी जो कि 7.885 है। सो मिनिमम मुझे इतना या इससे ऊपर एग्जिट करना होगा तभी मैं अपनी जो पोजीशन है वो एग्जिट कर पाऊंगा। ऐसे करके आप छोटे छोटे जो भी ऑर्डर है वो लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बाहर आना चाहता हूँ, जस्ट मुझे यहाँ पे स्वैप टू रिड्यूस पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपकी जो पोजीशन साइज है वो रिड्यूस हो जाएगी और पोजीशन में आपको हिस्ट्री के अंदर जो आपने फिलहाल अपनी पोजीशन क्लोज किया वो आपको दिखाई देगी। अब आप अपने प्राइस के मुताबिक मैट्रिक की जो पोजीशन है उससे बाहर आना चाहते हैं, सो आपको लिमिट पे क्लिक करना है, एग्जिट प्राइस यूएसडीटी। यहाँ पे आपको मैट्रिक का जो प्राइस है वो डालना है कि किस प्राइस पे आपको बाहर जाना है। जैसे कि एंटर आपने किया है फॉर एग्जांपल $1 पे, आपको लग रहा है कि 1.35 के समथिंग जाने वाला है और आप वहीं एग्जिट करेंगे, सो आप एग्जिट प्राइस में आएंगे, यहाँ पे इसको एडिट करेंगे, 1.35 लिखेंगे। उसके बाद में पोजीशन साइज यूएसडीटी में आपको वो अमाउंट डालना है जो भी पोजीशन में आपने टोटल जो अमाउंट यूज कर रखा है, फॉर एग्जांपल कि $10,000 का आपका पोजीशन ओपन है, उस $10,000 में से इस जो पोजीशन है आपकी जो एक्टिव पोजीशन है 10,000 की, उसमें से आप कितना जो प्रॉफिट है या लॉस है बुक करना चाहते हैं, यानी कि $10,000 की आपकी पोजीशन है तो मान लीजिए आप $2,000 फिलहाल एग्जिट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे पोजीशन साइज में आपको यहाँ पे $2,000 लिख देने हैं एंड जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, स्वैप टू रिड्यूस। अब जैसे आपका छोटा सा साइज है फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पे रिड्यूस पोजीशन साइज को यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि मिनिमम जो भी है $7-8 वो आपकी पोजीशन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो लास्ट ऑप्शन बचता ही है क्यूक एग्जिट, जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल मिलेंगे,
करेंगे, स्वैप टू एग्जिट पे क्लिक करेंगे, कहानी खत्म। सो कुछ इस प्रकार से आप CoinDCX के मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करके फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड सभी ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, सो कमेंट करके पूछ सकते हैं।